थप्पड़ मूवी को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, जिन्होंने रिसेंटली दो बहुत अच्छी मूवीज डायरेक्ट की थी. द फर्स्ट वन वॉज मुल्क एंड द सेकेंड वन वॉज आर्टिकल 15. सो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस व्हेन आई वेंट टू वॉच दिस फिल्म. इस मूवी में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एंड द स्टार कास्ट इंक्लूड्स तापसी पन्नू, पवेल गुलाटी, रत्ना पाठक शाह, तन्वी आजमी, दिया मिर्जा एंड कुमुद मिश्रा इन पिवोटल रोल्स. ट्रेलर में आपने देखा होगा कि एक हस्बैंड गुस्से में एक पार्टी में अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है एंड फॉलोड बाय दैट शी फाइल्स फॉर डिवोर्स. जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया में बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस था. पीपल सेड दैट एक थप्पड़ से हाउ कैन यू जस्ट एंड द मैरिज, यू शुड जस्ट फॉरगिव योर हस्बैंड. एंड ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट अब मैंने फिल्म देख ली है और मैं आपको भी कहूँगी कि प्लीज़ ये फिल्म देखिए. इस फिल्म में सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, इसमें वो डीप रूटेड पेट्रियार्की है हमारी इंडियन सोसाइटी की, जो धीरे धीरे करके सीन बाय सीन धीरे धीरे वेरी सटली राइटर्स ने स्क्रीन पर लाई है. ये कहानी वैसे एट इट्स कोर एक कपल की है, बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, बट देन द फैमिलीज ऑफ बोथ साइड्स गेट इन्वॉल्व्ड और दो तीन ऐसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज पैरेलली साथ में चलती है. एंड ऑल ऑफ दैट कम्बाइंड you know brings this very very powerful message on screen and it conveys it to you in such an impactful way that aap sach mein hil jayenge movie dekh ke. I would say that this film ko bahut acche se likha hai, bahut acche se direct kiya hai, ek ek scene mein bahut thought dala hai, ek ek dialogue aapko hit karega. Film mein subtly bahut kuch dikha diya hai. If you're watching the film sometimes you'll feel like it's blank, par agar aap har scene ko dhyan se dekhenge and you'll notice that every scene is screaming so much to you, every scene is talking and everything is trying to say so much to you. Tapsee Pannu is a fabulous actor and her performance in this movie is par excellence. I think unka jo screen presence hai bahut convincing hai, bahut sincere hai, and she's played her character very very well. Pavel Gulati, he plays her husband in the movie. Unka ye pehla bada break hai, even though he's been around for a long long time. But this is his first big break and बहुत अच्छी casting है because he's done a fabulous job. Actually सारे characters बहुत interesting हैं, सारे actors ने बहुत अच्छा काम किया है. But I would still say that even though the performances are great, very powerful, the magic that has been created on screen through Thappad is because of the director and the writer, जिन्होंने बहुत thought दे के इस movie को बनाया है. ऐसा नहीं है कि ये movie ज्ञान बांटने की कोशिश कर रही है या preachy है कि मोर्चा लेके निकल जाओ लड़कियों के लिए, नॉन ऑफ दैट. एट इट्स कोर इट रिमेन्स द स्टोरी ऑफ वन इंसिडेंट एंड अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. यू विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड योर वुमेन मदर सिस्टर्स बेटर आफ्टर वॉचिंग इट. फिल्म इतनी एंगेजिंग है कि एक सेकेंड के लिए भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा व्हेन यू वॉचिंग इट इन द थिएटर. एंड आई गारंटी यू कि तालियाँ बजेंगी वंस द फिल्म एंड्स. इट इज़ वेरी सीरियस बट इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग. थप्पड़ को मैं प्राउडली 4.5 स्टार्स दे रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि 2020 की अब तक की ये सबसे अच्छी फिल्म है. इट इज़ सच अ वंडरफुल फिल्म. आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसी फिल्म बन रही है एंड इट इज़ बीइंग मेड सो वेल. आई वुड लाइक टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप एंड द राइटर मृण्मय लागू, हु हैव डन अ ग्रेट जॉब, एंड ऑफकोर्स द एंटायर टीम ऑफ थप्पड़, वेरी वेरी वेल मेड. बट दैट्स माई टेक. लेट्स फाइंड आउट वॉट द ऑडियंस, दैट इज द फर्स्ट डे फर्स्ट ऑडियंस इज सेइंग अबाउट थप्पड़. मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी. मूवी बहुत अच्छी है. मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये मूवी बनाई है अनुभव सिन्हा ने. बहुत अच्छी थी. नाइस मूवी, एकदम सुपर. ये मूवी बहुत ही गलत है. मूवी बहुत अच्छी थी. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू नो, एक्चुअली टचिंग. हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा टचिंग है एकदम मूवी. तापसी बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने. अब अनुभव सिन्हा ने भी उनसे बहुत अच्छा काम करवाया. कि नॉट ओनली तापसी, एवरीबॉडी प्लेड देयर रोल वेरी वेल. तापसी की एक्टिंग एज ऑलवेज हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छी थी. उनका इमोशंस पे बहुत अच्छा काम है और जिस तरीके से उन्होंने बांध के रखे और जो आंसू उनके गिरते हैं तो जो इमोशन दिखाया बहुत अच्छा. सुपर, बिल्कुल कैरेक्टर में ढली दी हैं जैसा कि कैरेक्टर को होना चाहिए था. सो शी हैज डन ऑल द जस्टिस टू इट. तापसी वंस अगेन नानी, आई थिंक शी हैज इवॉल्व्ड विद ईच एंड एवरी मूवी. And in this movie also, she has played a role which is not glamorous, but very, you know, realistic. क्या होता है ना सोसाइटी की जो हिपोक्रिटिज्म होता है ना, वो कभी कभी बताने में लोग डरते हैं. इधर अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हिपोक्रिज्म बाहर लेके आया है. द फिल्म इज़ वेरी पॉजिटिव, यू नो, कि जो हस्बैंड इवन ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन. इट एक्चुअली इज द सिचुएशन दैट लीड्स टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड दैट, यू नो, ब्रेक्स अ लॉट ऑफ, यू नो, हार्ट. नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो लोग नहीं उठाते, उन्होंने ये उठाया है. इसको इतना अच्छे से उन्होंने दिखाया है तो जो नहीं समझते अब तक शायद मूवी के माध्यम से समझ जाएं. एवरी अदर फैमिली इट इज़ हैपनिंग, इन एवरी अदर रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑल्सो इट इज़ हैपनिंग.
इट इज़ जस्ट दैट इस टाइम पे यू नो बड़े स्केल पे उस चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहे विच इज़ रियली गुड एंड अप्रिशिएबल. हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ऐसा नहीं औरत भी थप्पड़ मारती है, ऐसा नहीं मारती है, ऐसा नहीं है, तो गलत ही है, पूरा गलत दिखाया है. दिस मूवी शोज़ की इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ स्लैप, इट शोज़ दैट पीपल से दैट इट्स नॉट अ बिग डील. दिस मूवी से इट्स अ बिग डील बिकॉज इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है थोड़ा लेंथी हो गया है वो थोड़ा, पर बट दैट्स फाइन. मूवी फास्ट स्लो नहीं है, थोड़ा लेंगे. मेंस के लिए ये हजम होने वाली बात ना हो लेकिन बहुत बड़ी बात है, तो उस टॉपिक पर उन्होंने मूवी बनाई है, जिस तरीके से बनाई है एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया, तो वो सुपर्ब है. यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ वायलेंस फ्रॉम एनीबॉडी इन योर लाइफ हूसोएवर इट इज. नोबडी हैज राइट ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड और एनीवे. दैट इज वे लाइफ में ऐसा प्यार हमेशा नहीं होता, झगड़े भी होता है, लेकिन इसमें सेपरेशन की बात आती ही नहीं है. और एक इतनी छोटी की वजह से इतना लंबा चौड़ा खींचना. 4.5 फोर स्टार्स. I'll give it a 4. ये मुझे कहीं कोई कमी नहीं लगी तो मैं तो 5 देना चाहूँगी. 4.5 4 2 डायरेक्शन के लिए तो 0 दूंगा मैं. I'll give 4 stars. So that's it about Thappad. For more movie reviews, keep watching E Now.